हिंदू पंचांग के मुताबिक सूर्य ग्रहण का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते और भगवान की पूजा भी नहीं की जाती। सूर्य ग्रहण से संबंधित ये तो एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण एक महत्वपूर्ण और अनोखी खगोलीय घटना है। आपको बता दें, इस साल भी 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 2 चंद्र ग्रहण। साल का पहला ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को लगने जा रहा है, जो कि एक सूर्य ग्रहण होगा। इसके ठीक 15 दिन बाद यानी कि 15 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल शनिवार की देर रात 12:15 पर शुरू होगा। इसका समापन 1 मई रविवार को सुबह 4:07 पर होगा। सूर्य ग्रहण का मोक्ष काल सुबह 4:07 है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। 30 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण अटलांटिक, एंटार्क्टिका, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से और प्रशांत महासागर में नजर आएगा। आमतौर पर किसी ग्रहण को अशुभ समय या दुर्घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि कई लोगों के लिए मंगलकारी भी होते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आने वाले दोनों ग्रहण किन राशि वालों के लिए शुभ माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। ज्योतिषों की माने तो साल का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। 15 दिन के अंतराल में लगने जा रहे 2 बड़े ग्रहण मेष राशि वालों को शुभ फल देने वाले हैं। नौकरी व्यापार के मामले में तरक्की के योग बनेंगे। मेष राशि वाले कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होने का संकेत है। कोई नया कार्य शुरू करने का विचार अगर आपके मन में आता है, जिसके भविष्य में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य और चंद्र ग्रहण का सिंह राशि के जातकों पर बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर आपकी स्थिति में सुधार आएगा। कार्यस्थल पर पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। आय के साधन बढ़ेंगे और निवेश करने से लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा सिंह राशि वाले लोगों ने अगर कर्ज या खर्चा ले रखा है और इस वजह से अगर वो लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, तो उन्हें भी राहत मिलने की संभावना है। धनु राशि के जातकों के लिए भी लगने वाले दोनों ग्रहण शुभ माने जा रहे हैं। इस दौरान नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलने के संकेत हैं। पैसे की तंगी खत्म हो सकती है। धनु राशि वाले जातक आर्थिक रूप से प्रबल महसूस करेंगे। आपको बता दें, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान धनु राशि वाले लोगों के अटके काम पूरे होने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।